कुल्फी देखो अच्छी है ना यार, 30 रुपए में जान बहुत अच्छा लग रहा है यार, एकदम रियल है। पेरू का जैसे पेस्ट बना लेता है ना, हाँ वैसे, और वो बस आइसक्रीम में मोल्ड कर दिया, एकदम रियल टेस्ट लग रहा है। वही बोला ना उन्होंने कि एकदम रियल है। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है, अम्मू को टॉवल देने से कभी भी देखने जाता है, हमेशा भूल जाता है। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जिंगार्ड फैमिली व्लॉग पे। मेरा नाम है अमित। मेरा नाम है पद्मिनी। मेरा नाम है अमित। हाँ हाँ सुन लिया सबने, तुम्हारा मेरा नाम है अमित। अरे यार सुन लिया ना यार पागल। दोस्तों मैं तू पागल। दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, हमारा अपना उपमा, बस यही करते रहो। सुबह सुबह जब अम्मू आया था दोस्तों, तो मैंने चीला बना के लिया था, उसके बाद हम लोग खा के जो है सो गए थे। अभी उठ के मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा खाते हैं ना, अम्मू के लिए टिफिन भी रेडी करना है मुझे। अम्मू ने बात ले लिया है, अभी वो अपनी पूजा कर लेगा, ठीक है। तब तक मैं निपटा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लो तुम्हारी चाय। थैंक यू मेरी बाबू, मेरी जान। तुम्हारी दूसरी वाइफ चाय है ना, पहली मार दूंगी ना तेरे को। चाय मेरी वाइफ नहीं है, चाय मेरी लाइफ है। अच्छा और मैं क्या हूँ, झंड? तो मेरी वाइफ हो सब मार तो के ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी वाइफ है ना। दोस्तों आज अम्मू मेरे को धोखा देना। अरे यार गाइस अच्छा समझ गए तुम। सैटरडे संडे नॉर्मली मेरा घर से रहता है काम, बट ये एक हफ्ता मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि कोई नया जॉइनी है जिसे ट्रेनिंग देनी है सैटरडे संडे भी, तो इसलिए तो एक वीक सोना चला लेंगे ना। चला लूंगी। दोस्तों यार अगर आप मेरा दर्द समझते हो तो प्लीज बोलो कि आप समझते हो। सोचो घर में मुझे अकेले रहना पड़ता है, एक तो इसकी नाइट शिफ्ट रहती है, तब बोर हो जाता है ना मेरे को। वो बात अलग है, मेरे पास काम बहुत सारे होते हैं, बट अकेले रहते हैं, साथ में कोई रहता है ना तो बात बात करते करते फैमिली नहीं है ना। फैमिली नहीं है, आ जाओ कोई हमारे घर पे। अच्छा है, पापा ना अभी रिटायर हो जाएंगे, पता है आप लोगों को, अक्टूबर में ना, सितंबर अक्टूबर में, फिर पापा को ना इधर बुला लूंगी, और फिर पापा को मम्मी के बिना नहीं चलेगा, तो मम्मी को भी यहाँ बुला लूंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे पापा काम करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज है कि यशोदा भी वहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है, तो शायद यशोदा के साथ पापा रहे और गोलू के साथ मम्मी यहाँ पे, तो मतलब वो लोग भी डिवाइडेड है दोस्तों ऐसे, देखते हैं। तो हमारे पास कौन रहेगा? हम अकेले रहेंगे क्या? पता नहीं। चलो अपन गुलबर्गा सेटल हो जाते हैं। गुलबर्गा सेटल होना है? हाँ सच में रह सकते हो बिना मुंबई के? पकाता है दोस्तों ये, इसकी जॉब यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे। गुलबर्गा कैसे जाएगा, ये कुछ भी बोलता है, बस बोलने के लिए बस कुछ भी बोल दो। बट इसको बहुत पसंद है मेरा गांव गुलबर्गा। एक्चुअली इसको इसका गांव भी बहुत पसंद है, बिकॉज अम्मू ना अपने गांव की बहुत सारी बातें करते रहता है, बहुत सारी स्टोरीज मेरे को सुनाते रहता है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि सब गांव वाला बंदा है। चलो चलो, वो जो बोला था वो करते हैं ना। चलो तुमको नया जैसे MBA चाय वाला है, वैसे MCA कुल्फी वाला खुला है। MCA का फुल फॉर्म क्या होगा जान? वैसे तो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। हाँ तो सच में वो MCA का फुल फॉर्म वही होगा? हाँ उसने वही रखा होगा, और क्या, आजकल लोग डिग्री अटैच कर रहे हैं और कुल्फी बेच रहे हैं ना। देखते हैं कैसा है, अच्छा रहा तो बताएंगे, बुरा रहा तो बताएंगे। गर्मी का टाइम है दोस्तों, वापस मुंबई में गर्मी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हम लोग बस कुल्फी उल्फी खाएंगे, गर्मी तो बस बहाना है, कुल्फी चखना है बस। चलो गाइस आज हम जा रहे हैं MCA कुल्फी वाला, कुल्फी खाएंगे इतनी गर्मी में। सोना को ट्रीट तो बनती है यार, इतनी मेहनत करके मेरे बच्चे निकले। ट्रीट इसलिए मिल रही है दोस्तों क्योंकि मैंने अम्मू का एक ईयर ड्रॉप जो है वो ढूंढ के निकाला है ना, है ना जान? आई ड्रॉप, आई ड्रॉप्स, आग, हाँ जो भी है हर जगह पे डालते हैं वैसे भी ड्रॉप। तो मतलब मैं तो कुल्फी के लिए एक्साइटेड हूँ। सोचो तू भी चलेगा क्या कुल्फी खाने के लिए? नहीं, ओके सो जा जल्दी कर। जल्दी दोस्तों जस्ट उतरे हम रिक्शे से, हम आ गए हैं MCA कुल्फी वाले मीरा रोड।
शांति गार्डन एरिया में आता ही है एंड कैफे आउटलेट है। रील वील देखे थे क्या? रील देखे थे, कैसे याद आया था? रील देखा था मैंने। चलो खाते हैं मस्त ठंडी ठंडी। क्या मजबूत धूप है यार। चले अंदर चलो फिर। पैसा खर्च होगा इसके लिए, नाटक कर रहा है दोस्तों ये। कुल्फी के लिए मैं देखो कितना मस्त लगा है। हाँ यार कितना क्यूट है ना ये। क्या शायद स्टॉल वगैरह में जब ऐसे लगाते होंगे रोड वगैरह में ऐसे स्टॉल रहते हैं। एक्चुअली ये पिंक पिंक। चलो हम यहाँ पे आए हैं एंड बाहर ही ना मस्त इन लोगों ने लगाया हुआ है प्राइसिंग वगैरह। कुल्फी देखो अच्छी है ना यार, 30 रुपए में सही है। बाकी आइसक्रीम्स और कुल्फी रोल्स भी है, खाने वाला आइटम है लेकिन हमारा पेट भरा हुआ है, हम नहीं ट्राई करेंगे, हम सिर्फ कुल्फी के लिए आए हैं। अब वो देखो खा के मेरा टेस्ट मास्टर ट्रिपल ट्रिपल बेरी। ये MCA क्या है? मिस्टर फुल ऑथेंटिक कुल्फी वाला। अच्छा जैसे कुल्फी रोल वगैरह भी है पर वो अपने को ज़्यादा हो जाएगा, तो एक आइसक्रीम और एक कुल्फी। तो कुल्फी में अपन पेरू लेते हैं। हाँ सुना, रेड पेरू। रेड पेरू और इसमें देखो मैंगो देखो कैसा है। ये कौन सा मैंगो है? अच्छा है। मांगो तो टिपिकल रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ तो ये सीताफल या लीची आलमंड ट्राई करो अगर अच्छा लग रहा है तो। सीताफल है इसमें? सीताफल करते हैं इसमें। गाइस काफी अच्छी टेस्ट है कुल्फी की एंड उन्होंने बताया कि सब मिल्क में बनता है और रियल पल्प वगैरह है। आइसक्रीम्स तो काफी वैरायटी में दिख रही है। अभी अपन ले रहे हैं सीताफल और कुल्फी में लिया है रेड पेरू। तुम बहुत खुश होगी ना? हाँ मुझे आइसक्रीम इतने ज़्यादा पसंद है ना, मतलब हम लोग तो कभी कभी मतलब रात को भी आइसक्रीम्स मंगा लेते हैं। मज़ा आ गया। ये मतलब कुछ अलग टेस्ट लग रहा है थोड़ा, मतलब ऐसा रियल टेस्ट लग रहा है, एकदम आइसक्रीम आइसक्रीम टिपिकल नहीं लग रहा है। लीची भी अच्छा है, अगर किसी को लीची वगैरह पसंद है तो वो भी ट्राई करें। कैसा लग रहा है भाई? रेड पेरू और मस्त अभी तो बर्फ बना हुआ है, ऐसे गर्मी में तो अभी बाहर लेके जाए तो पिघल जाएगी। ये पता कैसा लग रहा है? जैसे पेरू का जैसे पेस्ट बना लेता है ना। हाँ वैसे और वो बस आइसक्रीम में मोल्ड कर दिया। उन्होंने वही बोला ना उन्होंने कि एकदम रियल है कुल्फी। गाइस 40 रुपीज आइसक्रीम अराउंड आई थिंक 75 रुपीज का स्कूप है। बट बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो हाँ हाँ थोड़ा दो मसाला डाल के वही तो कहा पेरू का जैसे किसी ने पेस्ट बना दिया है और उसको मोल्ड कर दिया है मस्त एकदम ठंडा ठंडा सुपर। बहुत स्मार्ट है, मैं इस केस में नहीं होंगी बिल्कुल भी। ये ना ऐसे ही मुझे पागल बनाता है। सच में बोलूंगा जितनी भी आइसक्रीम खाई है ना अभी तक, बट बहुत अच्छा टेस्ट है। एक्चुअली कुल्फी सिर्फ खाया एंड बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है। अब सीताफल के लिए जा रही है। सीताफल अगर आप लोग के घर के आसपास है ना तो एक बार ट्राई करो, आप खुद समझ जाओगे हम लोग क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं। इसका आउटलेट है और थाने में है और अच्छा और एक यहाँ पे मतलब मीरा रोड में है। अगर थाने से कोई अगर हमें देख रहा है तो थाने में भी MCA कुल्फी वाला है तो एक बार जरूर ट्राई करना। बाकी मीरा रोड में तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो अगर मीरा रोड के तो बहुत सारे पब्लिक है ही अपने पास में, तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना। ये शांति गार्डन के पास ही है ना? अच्छा अच्छा तुम कहते हो कि खाते ही तारीफ करो, कैसे तारीफ निकलेगी, एकदम तुम गुम जाते हो वो खाने में उसके टेस्ट में वो एकदम इंडल्ज हो जाता है इंसान। बट एक्चुअली बहुत रियल लग रहा है, बहुत अच्छी आइसक्रीम क्वालिटी वाइज इट्स वेरी नाइस। एक्चुअली मसाला डाल के ना अच्छा लग रहा है। हाँ पेरू पे यूजुअली मसाला डाल के मजा आता है ना। वो है ना नमक मिर्च वाला। हम्म, अच्छा दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं अपना ये। मिलता है और ऐसा कुछ आउटलेट है ये।
बहुत अच्छा बनाया कैफे आउटलेट ना। और खा लेना बस। देखो दोस्तों क्या बचा के दिया है इसने मेरे को, देखो। चलो गाइस खा के हो गए, एक बार मेन्यू देख लो सारा, और इनके बाकी सारे जो आइटम है सभी एयर फ्राइड है। थैंक यू सो मच, हाँ मस्त लगा, बहुत अच्छा डिश था। थैंक यू, थैंक यू। सो हम निकल रहे हैं, अमू जाएगा अपने रास्ते, मैं जाऊंगी ऑफिस के लिए अपने रास्ते, मैं सोना निकलेगी घर के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे बोलने पे आप लोग करते हो ना कमेंट, सब्सक्राइब सब करो। सबसे ऐसे हो गया। चलो गाइस चलो कोई नहीं, मिलते हैं, मैं निकलता हूँ, मेरे को लेट हो जाएगा। अरे मुझे इधर किधर भेज रहे हो, मुझे भी आना है उधर ही। अच्छा चलो गाइस।